तो पहले चलते हैं दुकान एंड मालूम है मैं कब से प्लान सोच रहा हूँ करना क्या, बिकॉज मेरे जो भाई थे वो भी आज जा रहे हैं मुंबई, उसको छोड़ने के लिए मुंबई में जा चुके हैं। तो उस समय मैं वीडियो एडिट कर रहा था, मैं खुद जाता हूँ उनके साथ। सुबह चलते हैं लस्सी पीने के लिए, जो कि मोइन बनाया है लस्सी। आज पानी आता मिला जाएगा मोइन, क्योंकि तुम मेरे को धमकी दे रहा था। गाना है और मोइन लस्सी पीना शुरू कर दिया है, मैं भी चलता हूँ पीने के लिए। गर्मी बहुत ज्यादा है, सबसे बेस्ट अपना थ्री क्वार्टर है। तो भैया जा रहे हैं, भैया गाड़ी भी जा रहा है, भैया भी आज आपको जा रहे हैं। मेरे को क्रैकर्स इसलिए चाहिए बिकॉज मैं क्रैकर्स से ना बहुत ही अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, पर क्रैकर्स मेरे को भी मिल नहीं रहा है। एंड थर्सडे की वजह से तो सालकिया मार्केट बंद है, तो दुकान जा करके देखते हैं कोई प्लान अगर बनता है तो ठीक है। एंड यहाँ पहन जा तो दूध लिया है, टिफिन लेके नहीं गया था। तुम भैया ना भाई जो बोलते हो घर में कि बाहर कुछ नहीं खाते खरीद करके, और अभी देखो चाचा जा रहा है सामान लेकर के यहाँ। क्या करते हैं आप जो बाहर कुछ नहीं खाता है, वो ये खा रहा है। खाने खा रहा था तो फिर टाइम पास, ऐसे कुछ नहीं है करने को। और मेरा तेरा मोबाइल नहीं है ना, टूट गया तेरा मोबाइल, क्या देखा टूटा हुआ। जीरोक्स मशीन के पास 10 मशीन के पास देखते मोइन का मोबाइल टूटा हुआ। टूटा कैसे था वैसे? लग गया, उसके बाद गिर गया, नीचे नहीं गिरा, जब पाप गया टूट गया। ये रहा मोइन का, पर टूटा हुआ ये रहा। तो मैं भी जाने वाला था क्रैकर्स लाने के लिए, पर तो साल के आज मार्केट पूरा बंद रहता बिकॉज थर्सडे है। तो अभी मोइन क्या करना सही रहेगा? ये कस्टमर साइड इफेक्ट, मोइन को महज दिखाना पड़ता है, कॉल लाके चेक करवाना पड़ता है कस्टमर लोग को, है ना मोइन? इस तरीके से काम चलता है दुकान में। अरे तुम्हारा नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क उसको वापस से कर बंद करके ऑन करो ना। तो मैं अभी दुकान में हूँ, मैं अभी मतलब मोइन से एडवाइस दे रहा था कि मेरे को जाना कहाँ है। मोइन बोल रहा है कि मेरे को एक्सप्लोरिंग ज़्यादा से करना चाहिए, पर अभी एक्सप्लोरिंग मेरा टाइम नहीं है बिकॉज अभी अंधेरा हो चुका है। तो उस हिसाब से क्या करना चाहिए, वरना मैंने आइडिया ये सोचा था कि मैं विक्टोरिया के पास जाऊँगा, वहाँ रात का पर्स सीन लूँगा, अच्छे से कैप्चर करके मैं उसको ब्लॉग में डालूँगा। बट मोइन के हिसाब से क्या करना है मेरे को बताओ। टाइम देख लो 6 बज चुका है, बस उस हिसाब से बताना। 4 घंटा है मेरे पास, 6 से लेकर 10 बजे तक बाहर रहना है, उससे ज़्यादा नहीं। शाम में ना कोई पार्क नहीं आ सकते, जहाँ तक पार्क 5 बजे से बंद होना स्टार्ट हो जाता है, 6 बजे तक पूरा क्लियर हो जाता है। एंड मॉल बचता है लास्ट में, मॉल भी 9 बजे तक बंद हो जाता है। तो मॉल जाकर करेंगे क्या, वहाँ खाना तो है नहीं मेरे को, मूवी देखना नहीं है मेरे को। हे बाबा जल्दी बताओ बता। सो गाइस, तो मोइन तो मेरे को आइडिया दे नहीं पाया, तो मैं चलता हूँ रोड पहले, उसके बाद ही इंशाल्लाह कोई प्लान बनाएंगे। ये रहा तैयब आ गया। कहाँ जाया जाए भाई, बहुत देर समझ में नहीं आ रहा। कन्फर्म सोच रहे जाके बाल ही कटा दे, सब बाल कटा दिया, फिर हम भी जाके बाल कटा दे। आज दुकान में अभी आए थे ना, वही बाल कटा गए थे। अब मेरे को बोल कितना बड़ा बाल कर दिया है। शाम का समय है, कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जा रहे हेयर कट करवाने। क्या बोल रहे परफेक्ट कट आओ भाई, डायरेक्ट परफेक्ट कट। अभी नहीं आया, बहुत थक गए, करता क्या भाई, तो थक जाता है हमेशा। ठीक है बाद में यार, तो चलते हैं परफेक्ट कट हेयर कट करवाने के लिए, कहीं जाना था नहीं मेरे को। तो सामने परफेक्ट कट है, कैसा आ रहे हो? तू भी कटवाएगा? नहीं मेरा कटा हुआ, हम आज ही कटा के आए। आ चुके अंदर, बस हेयर कट की चीज़ हो जाए। तो मैं हेयर कट अभी स्टार्ट होने वाला है, मैं वो परफेक्ट कट के अंदर। सुहास तो हेयर कट हो चुका है, चलते हैं। सुहास तो मेरा हेयर कट हो चुका है एंड अब चलते हैं बाहर, बहुत समय बाद वैसे ये हेयर कट करवाए भाई। और कैसा लग रहा मेरा हेयर कट आप लोग कमेंट करना। और वापस से आए हुए शकील भाई के शॉप में। हेलो,
सो गाइस, तो मैंने सकी भाई के पास गया था, मेरे पास मालूम है एक एकदम परफेक्ट आइडिया मिला, वो ये है कि पबजी में डाउनलोड कर सकता हूँ आईफोन, वो कैसे मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। सो गाइस, दुकान आ चुके हैं, ये रहा गाड़ी और ये रहे मोइन भाई। आ गए मोइन भाई। हाय भैया, ये हेयर कट करवाए थे, मैंने भी हेयर कट करवा लिया, मोइन भाई भी पता नहीं करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, पर मेरे को जाना है नाश्ता करने के लिए। और गाड़ी में बैठ चुके हैं, नहीं आया भाई, कहाँ आया बोल, नहीं तो जाओगे कहाँ नाश्ता करने, ये बोलो। टिक्का पारा बोल रहे हैं, चलते टिक्का पारा, नहीं टिक्का पारा नहीं, कहीं और, कहीं और। प्रयास हुआ में नाश्ता करना है, प्रयास हुआ में दो आदमी, तो ऐसा क्या पता नहीं सस्ता है, हम तो बोले पारे में पूरी खा लेते हैं, पूरी सब्जी डाइटिंग चल रहा है, पूरी सब्जी भी नहीं खाएंगे। तो टाइम हो रहा है 7:59 और हम लोग जा रहे हैं टिक्का पारा। यहाँ पे आते लगता है मालूम बारिश हो रहा है, क्योंकि पानी ऊपर से गिर रहा है, ऊपर दिखा देखो, यहाँ से बारिश पानी गिर रहा है, ये रहा वहाँ से पानी गिर रहा है, टावर से पानी गिर रहा है। सो गाइस, तो मैं हूँ अभी टिक्किया पारा में और मैं खोज रहा हूँ, मेरे को खाना किया है, वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा खाना किया है। कबाब पराठा, कबाब पराठा सबसे आसान कबाब पराठा, और जेब में सिर्फ 50 रुपये है ना, इसलिए सोचना पड़ रहा है क्या खाना है, कैसे खाना है और कितना रुपया खर्चा होगा। ठीक है, तो गया रियल होटल और तैयब लेके आएगा, और यहाँ से गया तैयब लाने के लिए। तो यार, तो ये रहा कबाब हम लोग ले रहे हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये रहा कबाब, रुला चुका हम लोग का, यहाँ पे खाएगा पकड़ना, कहीं और जाके खाएंगे। और तैयार अभी कबाब लेके बैठा हुआ, चलते कहीं और एक साथ, भीड़ में गाड़ी के खाते, और हम लोग रोल खाने के लिए तो खाली जगह खोज रहे हैं, बस खाली जगह मिल जाए हम लोग को। सो गाइस, ये रहा अपना रोल, देखो तैयब खाना शुरू भी करते, ख़त्म होने वाला इसको, तो मेरा स्टार्टअप होगा और गाड़ी यहाँ खड़ा करके आराम से हम रोल खाते हैं। तो आज तुम्हारा नाश्ता हो चुका है, अब चलते हैं दुकान। सो आज दुकान आ चुके हैं और यहाँ मोइन का मोबाइल बन चुका है, कितना आराम से खेल रहा है। अभी से अबे डॉट कहाँ है, लाइट, हाँ अंदर में लाइट आ गया, ठीक है। और यहाँ से ले चुके हैं नाश्ता। सो नाश्ता घर आ चुके हैं, ये नाश्ता, चलते हैं अब नाश्ता करने के लिए। और ये रहा सिम्बा, और ये रहा जैकी, आँख में आंसू का, इसको वही खाना खाया क्या, तभी तो, जब भी खाता है ना जैकी तो आँख में आंसू आता है। सो गाइस, ये रहा केकेआर का गेम चल रहा है, अभी 4 विकेट गिर चुका है, ये रहा 127 से 5 विकेट गिर चुका है केकेआर का, अभी 5 विकेट था, अब 6 विकेट हो गया, देखो वापस विकेट हो गया, ये रहा। सो गाइस, मैं जहाँ पबजी इंस्टॉल करने के लिए, बिकॉज पबजी ना मेरे मोबाइल में आ चुका है, वो एक तरीका है, मतलब पहले से जिसका आईफोन में इंस्टॉल किया हुआ था और वो उसने अनइंस्टॉल कर दिया था, तो वो बाद में इंस्टॉल कर सकता है, जाकर के अंदर में चेक करना, एंड पहले से इंस्टॉल कौन कौन सा फाइल था वो जाकर के देखना अपने प्ले स्टोर में जाकर के, मतलब प्ले स्टोर नहीं ऐप स्टोर में जाकर के, एंड वहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो आप पबजी। भाई मेरे को इतना खुशी हुआ ना, एक लड़का मेरे को दिखा दिया, तो भाई क्या ही मैं बोल, सकते हैं पबजी इंस्टॉल करने। सो गाइस, तो पबजी में बाद में इंस्टॉल कर गया, 3 बार 16 रन हो गया है और फिर से चौका चला गया, 4 बार 20 रन, फहीम कितना डेंजर फॉर्म में कि 2 बार 4 बार 53 रन, क्या बनाया, बाहर हो गया, इसीलिए बाहर हो गया, इसीलिए फहीम बनाया मैंगो का शरबत, और फहीम गुस्सा इसलिए क्योंकि कलकत्ता का एक भी गेम मिस नहीं किया था, एक भी गेम सोचे फाइनल तक देखेंगे, सेमीफाइनल तक तो जाएगा मगर गया नहीं, उल्टी कर दिया, चलते पी लेने। तो ये रहा सिम्बा, ये रहा जैकी, और ये रहे मेरे अब्बू आ चुके हैं, मेरे अब्बू आ चुके हैं, तो अब करते हैं वीडियो एंड, बिकॉज आज जैकी और सिम्बा खाना भी नहीं आया, तो ये वीडियो पसंद आया इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू। अब्बू गुस्सा इसलिए हो रहा है क्योंकि खाना नहीं आया ना जैकी सिम्बा का, अब बेचारा खाने के लिए, देखो यहाँ बैठा हुआ सिम्बा, वहाँ बैठा हुआ जैकी इंतजार में, ठीक है, आज को खाना नहीं दिया ना इसलिए ऐसे फेस कर रहा है। लाल बाबू।